प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। पता है सरा, तुम मुझे अच्छी या बुरी नहीं लगती थी। मैं जब भी तुम्हारी पिक्चर्स देखता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो तुम बस मुझे मेरी लगती हो। रजा और समीरा के साथ साथ मैंने तुम्हारी और निमरा की शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक बार शाहजेब से मिल के तो देखें, वो हारिस से भी ज्यादा अच्छा है। एक बार मिल लें आप उसकी फैमिली से। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। फिर तो कुछ नहीं कहा उसने। नहीं, उदास है, चुप भी है, कुछ खा पी भी नहीं रही है। चल, सारी जिंदगी हम इनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं और इस रात उसने खुद ये हमाकत करके अपने लिए ये उदासी चुनी है। सबा एक बार ये तरफ हम हाथ का वलीमा हो लेने तो फिर इसरा की रुखसती के बारे में सोचते हैं। तुमने मरियम के कान में बात डाल दी है ना? जी डाल दी है मैंने, बल्कि वो तो ये सब कुछ सुन के बहुत खुश हो गई थी। वो तो खुद भी यही कह रही थी कि उसका शायद हारिस की शादी का इरादा भी जल्दी का ही है। चलो अच्छा है, इस तरह हमारी बात का भरम भी रह जाएगा। तुम ये शाहजेब के बारे में तो नहीं जानती हो ना, कौन है, कहां से आया? नहीं तो, बल्कि मैंने तो खुद आपकी तरह इसरा के मुंह से पहली बार शाहजेब का नाम सुना है। मैं हैरान हूं सबा, तुम्हारी इतनी सख्त परवरिश के बावजूद ये सब कुछ कैसे हो गया? परवरिश तो वकार मैंने सख्ती की थी, लेकिन पता नहीं मुझसे कहां भूल चूक हो गई जो इसरा ने इस तरह से चोर रास्ता इख्तियार कर लिया। खैर, मौजूद जज्बों का सर कुचलने के लिए मुनासिब हल यही है वकार कि हम इसरा को जल्द अपने घर का करते हैं। इसरा पर नजर रखना तब आप प्लीज, एक बार वो मेरे अहमाद को ठेस पहुंचा चुकी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकार? इसरा के बारे में इस तरह से बुरे गुमान मत रखिए। मैं मानती हूँ कि इसरा से नादानी हुई है किसी को पसंद करने की, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके रगों में हमारा ही खून। मुझे पता है वो कभी भी कोई गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। खुदा तुम्हारे गुमान को सलामत रखे। लेकिन जिस तरह उसने शाहजेब का नाम बाप और भाई के सामने लिया है, इस बात से उसने मेरा सुकून धर्म भरम कर दिया। आप परेशान मत हो मक्कार, इसरा इतनी भी ना समझ नहीं है कि वो हमारे फैसले के खिलाफ जाकर किसी किस्म का कोई इंतहाई कदम उठाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो। देख लें अपनी बहन की रोनी सो।
शायद अब आपको मेरी बात पर यकीन आ जाए। तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? आपकी बहन ने अपनी रोनी सूरत बनाकर मेरी शादी खराब कर दी और आपको मेरे मूड की पड़ी है। मामा आपको देख लेंगे, तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो, सब हमें देख रहे हैं। तो ही तो बात है जो आपने मुझसे छुपाया, मैं भी देखती हूँ आपको कब तक छुपाऊं। क्या बात है, इस तरह से मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अकलौते भाई की शादी है और बहन ने मुंह बनाया हुआ है? ऐसी बात नहीं है मामा, मैं खुश हूँ। खुश हो तो लोगों को दिखाओ, हमारी इंसल्ट मत करवाओ। जी गुड। अरे ये माँ बेटियों में क्या चुपके चुपके बातें हो रही हैं? बातें क्या होनी है, बस अपनी बेटी को जी भर कर देख रही थी। अरे मैं ऐसी ड्रामों वाली सास नहीं हूँ। शादी के बाद जब दिल चाहे अपनी बेटी को जी भर के देखो, उससे मिलो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम्हारे मिजाज को देखकर इसीलिए तो मैंने हाँ कही है, क्योंकि मेरी इतनी फूल जैसी बेटी है, मुझे पता तुम बहुत ख्याल रखोगी। माशाल्लाह तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मेरी बहू को नजर मत लगाना। मामा आप लोग बातें करें, मैं कुछ गेस्ट वगैरह को देख लेती हूँ। हाँ हाँ बस वापस आ जाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जी कैसी हैं आप? आज तो आप कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अगर मुझे अंदाजा होता ना कि मेरे मुल्क में इतना हुसन है और मैं यहाँ के अपना दिल दे बैठूँ, मुझे मेरी जिंदगी की साथी मिल जाएगी, तो ऑनेस्टली मैं बहुत पहले पे आ जाता। अब तो मैं आपकी तारीफ कर सकता हूँ ना, मेरा मतलब आपके बिहेवियर से अंदाजा हो रहा है कि शायद अब मैं आपके लिए अजनबी नहीं रहा। आपको पता आंटी ने मामा से कहा कि वो हमारे जल्द रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं, और ये सुन के मैं इतना एक्साइटेड हो गया, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मामा से कहूँ कि वो अंकल आंटी से बात करके हमारी रुखसती भी जल्दी रखवा दें। क्यों? एक्सक्यूज मी, शर्मा लीजिए।
शाहजेब मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो, मैं नहीं आ सकती बाहर। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आ सकती मैं अंदर आ जाता हूँ। प्लीज तुम अंदर मत आना, कोई तमाशा क्रिएट मत करना। अच्छा तुम रुको, मैं आती हूँ बाहर। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रज़ा कहाँ रह गया है शाहजेब? फोन किया, पता किया उसका? पहले तो कॉल जा रही थी लेकिन उठा नहीं रहा था, अब तो नंबर ही ऑफ जा रहा है उसका। मेहमान पूछ रहा। अच्छा तुम बार बार ट्राई करो, मैं भी करती हूँ। मैं कर रहा हूँ मामा। आपा, सब मेहमान परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शाहजेब क्यों नहीं आया अभी तक। आप फरद, दरअसल मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, एक डेलीगेशन आया हुआ है बाहर से, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मिस नहीं करना चाह रहा था इसलिए लेट हो गया, बस आने ही वाला होगा। आपकी बात हुई अभी? जी जी। अरे तो ठीक है ना, काम भी तो जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट काम होगा, कोई मसला नहीं, आ जाएगा। जब तक निका खान साहब के साथ बैठ के अरे फॉर्म भरवा लेते हैं, वो भी तो एक काम है ना। हाँ ना, तुम परेशान मत हो। अरे आओ भाई, क्या हो गया? ट्राई करो उसे। सवा करोड़। दूल्हा का नाम? शाहजेब सादत। लड़की का नाम? इसरा। लड़की का नाम है इसरा बकार। पापा, ये लड़की कौन है? शाहजेब, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? इसका नाम इसरा है, आपको बताया तो था मैं। मोहब्बत करता हूँ उससे। शादी भी इसी से करूंगा। शाहजेब, ये इस मौके पर किस किस्म का मजाक कर रहे हो तुम? इस तमाशे में मेरा नाम लिखवा के मजाक तो आप कर रही हो। इस जैसी लड़की को जो इस बेशर्मी से तुम्हारा हाथ थामे यहाँ आ गई है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे कबूल कर लूंगी? आपको इसे कबूल करना पड़ेगा मैम। आपने ही मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। माफ करना शाहजेब, भले ही लड़की तुम्हें पसंद हो लेकिन शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते कि हाथ पकड़े चली आए। अरे मेरी निमरा के मुकाबले में खड़ी करने के लिए यही लड़की मिली थी,
जाने किस खानदान की लड़की है, किस कमाश की है, पता भी है तुम्हें कुछ? क्या बात कर रही हैं आप? चुप रहो फरहत। इस तरह की लड़कियों को उनकी औकात याद दिलानी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। बोलो, मेरे शाहजेब की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगी तुम? इसरा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा ना हो कल को जब आपकी बहू बने तो अपने कहे पर आपको पछतावा। ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपनी बहू की शक्ल में कबूल कर लूंगी? और इस गलत फहमी में भी ना रहिएगा, मैं किसी भी ऐसी ऐसी लड़की से निकाह कर लूंगा। खामोश शाहजेब, मेरी बच्चों के बारे में कोई गलत बात करने से पहले सोच लेना। आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहता ही नहीं हूं मैं। आप चाहें तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैं उससे बात नहीं करता। मम्मा ये इसरा है, मैं आपको इसरा सुनो। तुम परेशान मत होना, मुझे घर छोड़ दो। पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया फरहत, तुम्हारी आपा ने हमें एक बहुत बड़ा धोखा दिया। नहीं नहीं निसार, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है आपा, आपको पता था कि शाहजेब निमरा शादी करना नहीं चाहता, फिर भी आपने हमको अंधेरे में रखा, हमारी बच्चों की बेइज्जती कराई। निसार, शाहजेब बच्चा है, अगर उसने नादानी में इतना गलत फैसला कर लिया है तो उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे हम। निसार भाई, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मेरे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ निमरा बनेगी, बस। सिर्फ आपके चाहने से निमरा आपकी बहू नहीं बन जाएगी आपा। निसार फरहत, मैं शाहजेब को राजी कर लूंगी निमरा के लिए। ये कब होगा आपा? वो तो उस लड़की के पीछे भागता हुआ चला गया। फरहत, निसार वो लौट आएगा, वो आएगा वापस। हम ऐसा करते हैं, आज हम समीरा और रजा का निकाह कर देते हैं। क्या आप क्या कह रही? वो एक ना एक दिन वापस आएगा, उसे आना पड़ेगा लौटकर। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपनी एक बच्ची की इतनी बेइज्जती होने के बाद अपनी दूसरी बच्ची आपके घर में दूंगा? क्या कह रहे हैं आप? फरहत, पर तुम समझाओ ना निसार को। मैंने क्या समझाऊं, मैंने कुछ नहीं कह सकती। आपकी वजह से जो हमारी बेइज्जती हुई है, जो दुख हमें मिला है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा मत कहो फरहत, तुम मेरा यकीन करो।
जब बाबा ने कहा था कि तुम्हें इजाजत नहीं है कहीं जाने की, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां से कदम बाहर रखने की? इसकी कोई गलती नहीं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है। तरह की लड़कियों को उनकी औकात याद दिलानी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। कठिन डगर है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपनी बहू की शक्ल में कबूल कर लूंगी? मेरे शाहजेब की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगी तुम? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बाबा ने कहा था कि तुम्हें इजाजत नहीं है कहीं जाने की, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां से कदम बाहर रखने की? इसकी कोई गलती नहीं। कसूर मेरा है। मैं जबरदस्ती ले गया था। तो वो तू है जिसने मेरी बहन को बागी बना दी? मैं और इसरे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी फैमिली बहुत जल्द आएगी इसका हाथ मारने। इस खुशफहमी में मत रहना कि इसकी शादी हम तेरे साथ कराएंगे। और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहां से चुपचाप दफा हो जाओ। दर्दा मत हमार। सर आपको जो सुलूक करना है मेरे साथ करने। सर सर इसका कोई कसूर नहीं है। मैं बहुत इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या पता कि इज्जत क्या होती है? गलती से भी अपने दिल में ये गुमान मत लाना कि मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल हो सकती है। सबको लेकर निकलो यहां से।
लेकर आ से। इस गलत फैमिली में भी ना रहिएगा कि मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की से निकाह करूंगा। खामोश आसिफ, मेरी बच्चों के बारे में कोई गलत बात करने से पहले सोच लेना। आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहता ही नहीं हूं। आप चाहें तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैं उससे बात नहीं करता। बेटी के बारे में बात करना चाहता ही नहीं हूं। आप चाहें तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैं उससे बात नहीं करता। जायज फायदा उठा लिया इसने हमारी मोहब्बत का, आज से इसकी सारी आजादी बंद। सबा ये घर से बाहर ना निकले। मरियम को बुलाओ जल्दी, ताकि इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करना चाहता हूं मैं। बस हो गई ना बात, इसके ऊपर मजीद मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी।
फोन करो शाहजेब को और उससे बोलो कि अभी और इसी वक्त घर वापस आकर मेरे सारे सवालों के जवाब दे। अरे फोन नहीं उठा रहा, या शायद जान के बात नहीं करना चाह रहा। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़का इस तरह सबके बीच उठाकर ले आएगा उस लड़की को। कैसे नहीं सोच सकती थी मामा, हाँ जब जानती हैं उसकी नेचर को, पता है कितना जिद्दी इंसान है वो। आपको उसकी बात को अहमियत देनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन हिम सीरियसली। अब देख लिया एन मौके पे क्या ड्रामा करके गया वो। अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसे इस बेवकूफी के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ना उसने माँ की इज्जत का ख्याल किया और ना ही दुल्हन बनी निमरा का। ये सही है, वहां पर वो जिद्दी है, यहाँ पर आप बीच में पिसा कौन? मैं। मुझे कोई ये आकर समझा दे कि इस सब में मेरी और समीरा की गलती क्या है यार। खाला और खालू कितने गुस्से में गए, अब वो मानेंगे? दुख तो इसी बात का है कि तुम्हारा और समीरा का भी निकाह नहीं हो सका। मैं शाहजेब को फरहत और निसार भाई के सामने इतनी बेइज्जती होने पर कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे मैं जिंदगी में। तुम उसे बार बार कॉल मिलाओ, जैसे ही उससे बात हो उसे बोलो फौरन घर पहुंचे। अच्छा हुआ जो ये असलियत पहले से सामने आ गई। मैं तो सभा को जाके फौरन इनकार कर दूंगी और तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मजीद कोई और अच्छी लड़की देखने की जरूरत नहीं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इस रास्ते करूंगा। आप एक काम करें, आप अंकल आंटी से बात करें और कोई करीब की डेट फिक्स करवा दें। हारिस, इतने लोगों के सामने वो अपनी इन्वॉल्वमेंट का इकरार करके गया है, उसके बावजूद भी तुम? जी फिर भी, ऐसी कौन सी सोने की बनी हुई है इसरा? मैं मानती हूं कि वो खूबसूरत है, पहली नजर में उसे देख के मैंने भी उसे तुम्हारी दुल्हन बनाने के बारे में सोचा था, मगर इतना सब कुछ देखने के बावजूद मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा हसीन लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगी। देखिए वो जितनी मर्जी हसीन हो मगर उनमें से कोई इसरा नहीं होगी। क्या हो गया है हारिस, पहले ही उसका एक दावेदार आके सबके सामने हमारी इतनी बेइज्जती करा चुका है, उसके बावजूद भी तुम? देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कितने दावेदार हैं, मगर फर्क तब पड़ेगा जब मैं उसे हासिल नहीं कर सकूंगा। और अगर आपको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी बदनामी की परवाह है ना तो ठीक है, बंद करें, इस टॉपिक को खत्म कर दें। मैं शादी करूंगा तो इस तरह से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। हारिस, तुम इस तरह के लिए इस हद तक जा सकते हो? जिंदगी में पहली बार आपके बेटे को कोई लड़की इतनी पसंद आई है कि उससे मोहब्बत करने लगा, उसे हासिल करना चाहता हूं मामा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जिद जिस तरह आपने सारी जिंदगी पूरी की है ना, ये भी आप पूरी करेंगी। सच कहूं तो मुझे भी पहली नजर में इसरा बहुत पसंद आई थी और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि उसे तुम्हारी दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप एक काम करें, आप अंकल आंटी के पास जाएं, उनसे बात करें, जैसी सिचुएशन चल रही है ना वो इसरा को खुद रुखसत करने के लिए राजी हो जाएंगे। आप उनके पास जाएं, बात करें, डेट फिक्स करें, दैट्स इट। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं ऐसे ही करूंगी। खुश हो आप? जी। चलो अब रिलैक्स करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। यार की गली में मर जाना इश्क है।